हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 4.5% के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 119.05 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना था ऊपर में 148 रुपीज पर। 148 रुपीज पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है जहां पर स्टॉक में नीचे का एक बॉटम बन चुका है 106 रुपीज पर। 106 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक डबल बॉटम आएगा। यहाँ पर स्टॉक में दो बार सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में निचले लेवल पर एक रिकवरी आते हुए नजर आई। ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है अराउंड 119 रुपीज पर, जहां पर स्टॉक करंट लेवल पर ट्रेड कर रहेगा। स्टॉक आज के दिन अगर 120 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर में एक क्लोजिंग बनाता है तो वहां पर स्टॉक में एक रैली देखने को मिलेगी। पर जब तक स्टॉक 120 रुपीज से नीचे रहता है स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से देखें तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा जहां पर ऊपर में स्टॉक 120 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है और नीचे में अगर स्टॉक 106 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो इस स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।